दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में दो गुटों के बीच हुई फायरिंग की जांच दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। मैं आपको बता दूं कि गोविंदपुरी थाने में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का साफ तौर से कहना है कि इनके संपर्क उन गुटों के साथ हो सकते हैं और यही वजह है कि सस्पेक्ट के तौर पर दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिया गया है और साथ ही लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास गोविंदपुरी इलाके में दो गुटों के बीच में फायरिंग होती है जिसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हो जाते हैं जिनको एम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। लेकिन फिलहाल लगातार इस मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है और लगातार उन लोगों की तलाश की जा रही है जो कि इस फायरिंग में मौजूद थे और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि दोनों गुटों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि नौबत फायरिंग पर आ गई। कैमरामैन अजीत के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।